बाबा यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो सीओपी है उसको इंथाल्पी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है इसको किस तरह कंपेयर कराएंगे एक्चुअल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम से। तो आइए दोस्तों इसको डिस्कस करें। सीओपी जो होती है हमारे पास वो होती क्या थी, हमारे पास सीओपी कहलाती थी हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट और होती थी हमारे पास रिक्वायर्ड इनपुट। जो हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट है वो आउटपुट क्या था आपको, जैसे मैंने बताया था लेसन वन में कि जो आउटपुट था हमारे पास वो एवोपेटर से जो हीट वो रिमूव कर रहा था वो हमारा क्या था, आउटपुट था। तो आउटपुट एवोपेटर से जो बाहर निकल रहा था मतलब 4 से लेकर 1 के दरमियान जो प्रोसेस हो रहा है वो हमारा आउटपुट है। तो 4 से लेकर 1 के दरमियान जो प्रोसेस हो रहा है वो हमारा क्या, आउटपुट है। तो हमने क्या लिखना है इंथैल्पी की फॉर्म में, हमने लिखना है यहाँ पर H4 माइनस H1, ये हमने लिखना है H4 माइनस H1। और रिक्वायर्ड इनपुट, इसमें इनपुट क्या था, इसमें इनपुट था 1 से लेकर 2 के दरमियान, मतलब कि कंप्रेसर से ही हम इनपुट करा रहे थे, इसके अलावा हम कोई भी इनपुट नहीं कराते, कहीं पर भी कोई चीज़ इन्वेस्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड सिर्फ कंप्रेसर को होती है, ना इसको रिक्वायर्ड है, ना इसको रिक्वायर्ड है, ना इसको रिक्वायर्ड है, ये ऐसे ही चल रहा होता है। सिर्फ कंप्रेसर पे हम हर दफ़ा मतलब कि कंप्रेसर को बिजली चाहिए होती है तो वो बिजली की वजह से वो चल रहा होता है। तो रिक्वायर्ड इनपुट कंटिन्यूसली किसको चाहिए, कंप्रेसर को चाहिए। तो कंप्रेसर 1 से लेकर 2 के दरमियान लगा हुआ है, तो 1 से लेकर 2 के दरमियान कंप्रेसर है। तो इंथाल्पी 1 से लेकर 2 ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास H1 माइनस H2। तो आप क्या करें, ये जो हमारे पास जो टर्म है, जो न्यूमरेटर है इसका, आप न्यूमरेटर से क्या करें माइनस को कॉमन ले लें और डिनोमिनेटर से ही माइनस को कॉमन ले लें। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये हो जाएगा माइनस H4 प्लस H1 और नीचे हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा माइनस H1 प्लस H2, ये हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट। आप इसको अरेंज करके ऐसे लिख दें H1 माइनस H4, तो ये हो जाएगा हमारे पास H1 माइनस H4 अपॉन, ये हो जाएगा H2 माइनस H1, ये हो जाएगा H2 माइनस H1 और ये हो जाएगा हमारे पास COP। तो COP क्या आ गई हमारे पास, H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1। आप ये भी लिख सकते हैं, ये हमने माइनस इस वजह से लिया, कॉमन इस वजह से लिया, इसको सॉल्व क्यों किया, क्योंकि जो इंथाल्पी की H1 की वैल्यू है वो H4 से ज़्यादा है और जो H2 की जो वैल्यू है वो H1 से ज़्यादा है, तो हमने बड़े से छोटे को माइनस करवा दिया, बड़े से छोटे को यहाँ पर माइनस करवा दिया। वो मर्जी आपकी, अगर आप ये वाला भी लिखते हैं या ये वाला भी, ये मतलब ये वाला फॉर्मूला भी लिखते हैं तब भी सही होगा, क्योंकि H4 माइनस H1 का जब डिफरेंस निकालेंगे आप तो आंसर नेगेटिव आएगा और H1 माइनस H2 का आंसर निकालेंगे तो वो भी नेगेटिव आएगा, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट होगा, एक पॉजिटिव आंसर आएगा, कोई मसला नहीं है। आप ये याद कर लें या फिर ये याद कर लें, दोनों सही है। अब हम बात करेंगे कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ पर है, तो आप खुद देखेंगे जो कूलिंग हो रही है इस पूरे साइकिल में, कूलिंग कहाँ पर हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ एवोपेटर के पास ही कूलिंग हो रही है, मतलब ये एवोपेटर के पास जो रीजन है उसी रीजन को एवोपेटर क्या कर रहा है, कूल कर रहा होता है, बाकी किसी रीजन में कोई कूलिंग नहीं होती है। तो कूलिंग कहाँ हो रही है, सिर्फ यहाँ पर हो रही है, मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कूलिंग इफेक्ट कहाँ पर हो रहा है, सिर्फ एवोपेटर में हो रहा है। और एवोपेटर कहाँ से लेकर कहाँ तक के दरमियान है, 4 से लेकर 1 के दरमियान है। तो 4 से लेकर 1 की जो एंथैल्पी है आपने उसको क्या करना, उसको बोल देना है कि ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ से कहाँ तक है, ये हो जाएगा हमारे पास H1 माइनस H4, H1 माइनस H4, वरना H4 माइनस H1, अभी यही बात आ जाएगी दोबारा, H4 माइनस H1 भी हो सकता है, मगर H4 की वैल्यू छोटी है, H1 की वैल्यू बड़ी है, तो बड़े से छोटे को माइनस करवाना है तो आंसर पॉजिटिव आएगा और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का भी आंसर पॉजिटिव आता है। और हमारे पास एक और है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है आप इसको मल्टीप्लाई करा दें मास फ्लो रेट से, तो आपने मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करा दिया इसको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को, तो वो क्या गई, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आ गई। वो मास फ्लो रेट किसका है, वो रेफ्रिजरेंट का है,
वो रेफ्रिजरेंट का वो फ्लो रेट है जिससे वो पूरी साइकिल में पूरे सिस्टम में वो मूव कर रहा है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करा दिया और ये हमारे पास रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आ गई इस तरह।